हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी सभी को बहुत पसंद आने वाली है। आई एम श्योर कि ये डिलीशियस सुपर डुपर टेस्टी रेसिपी को देखकर आपके मुंह में पानी तो आ गया होगा। ये फटाफट से बनने वाली बिना लहसुन प्याज के आलू की सब्जी, साथ में ये खस्ता कचौरी, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। ये दिल्ली की फेमस खस्ता कचौरी है। अगर आप भी इन कचौड़ियों को इंजॉय करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए हमने लिया एक कप गेहूं का आटा और आधा कप हमने मैदा लिया। इन दोनों ही चीज़ों से हम खस्ता कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डो लगाकर तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपसे कई तरह की कचौड़ियाँ शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो अब इन कचौड़ियों में हम डालते हैं आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हम नमक डालेंगे, 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल को ऐड करेंगे। अब इन तीनों ही चीज़ों को हम अच्छे से डो में मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप खस्ता कचौड़ियाँ बनाएं तो मोमन आपको कुछ इस तरह से लेना है कि जब भी आप हाथ से इस तरह से बाइंड करें तो ये बाइंड होने लगे, बस इतना ही आपको मोमन डालना है। तो अब हम सादा पानी लेंगे और इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपसे बेड़मी पूरी, अलीगढ़ की फेमस कचौड़ी, काफ़ी सारी कचौड़ियाँ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। पसंद आए तो इस रेड बटन को प्रेस कर दें, साथ ही में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये डो को हमने लगाकर तैयार कर लिया है। तो डो हमने कुछ इस तरह से लगाया है, ना ही वो ज़्यादा सख्त है ना ही ज़्यादा वो ढीला है, बिल्कुल परफेक्ट डो लग कर तैयार हुआ है। तो अब इस डो को हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट करता है तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने पिसी हुई मूंग धोबा डाल ली है। तो अब इसमें हम आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच हम गरम मसाला ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच से भी कम। अब इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, उड़द दाल की भी स्टफिंग हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो कचौड़ियाँ मैंने आपसे शेयर की हैं पहले, वो मैं उड़द दाल की कचौड़ियाँ शेयर कर चुकी हूँ। ये मैं मूंग दाल की स्टफिंग बनाकर खस्ता कचौड़ी बनाकर तैयार कर रही हूँ। इस तरह की कचौड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हम आलू की सब्ज़ी के लिए मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से फूल जाए। तो फ्रेंड्स, आलू की सब्ज़ी हम लोई की कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे। पहले भी मैं आपसे कह चुकी हूँ कि लोई की कढ़ाई में सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमने 2 चम्मच सरसों के ऑयल को गर्म ही किया, उसमें हमने आधा चम्मच जीरा डाल दिया। जीरे के साथ ही हम 2 साबुत लाल मिर्ची डाल देंगे और फ्रेंड्स, ये 2 हरी इलायची हैं जिसको हमने क्रश कर लिया, छिलके के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 तेज़पात ऐड कर देंगे। और जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया था वो अच्छे से फूल गया है, तो आप देख सकते हैं। अब इसे भी हम ऐड कर देंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, लो फ्लेम पर ही हम मसाले ऐड करेंगे, साथ ही साथ हम इसे चलाते जाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हम सब्ज़ी बनाएं तो सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो अब इसमें हम ऐड करते हैं 2 स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च, 1 पिंच के करीब हम इसमें हींग ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर ही हम इस मसाले को भून कर तैयार करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने इसमें ना ही लहसुन का यूज किया है ना ही प्याज का यूज किया है, बिना लहसुन प्याज के ही हम इस सब्ज़ी को बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने 2 मीडियम साइज के आलूओं को उबाल कर मैश कर लिया है, तो इसे भी हम ऐड कर देते हैं। अब इसे भी हम मसाले में अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। और फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस सब्ज़ी में बिना लहसुन प्याज के ही ठेले वाली सब्जी वाला टेस्ट लाने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं किस तरह से प्रिपेयर करती हूँ ठेले वाली चांदनी चौक वाली आलू की सब्ज़ी, जिसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं खस्ता कचौड़ी के साथ। तो अब इसमें हमने 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। तो इस सब्ज़ी को हम लिक्विड वाली सब्ज़ी नहीं बनाकर तैयार करेंगे, इसे हम थोड़ी थिक रखेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम ही कर देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबालेंगे, जब तक इसमें 1 उबाल नहीं आ जाता। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं सब्ज़ी में अच्छे से उबाल आ गया, तो हम सब्ज़ी को अच्छे से चला देते हैं। तो ये आलूओं को हम साथ ही साथ मैश भी कर देंगे।
जो भी बड़े टुकड़े साइज के आलू दिख रहे हैं उन्हें हम करचली से मैश कर देंगे। तो इसे हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पकाते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। तो फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सब्जी में हमारा अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब इसमें हम एक ऐसा मसाला ऐड करते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करेगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर की वीडियो मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। इस पाउडर को आप काढ़े के रूप में या फिर सब्जी में भी डालकर खा सकते हैं। यह मसाला बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाते हैं। फ्रेंड्स, आलू की सब्जी तो आपने बहुत बनाई होंगी, लेकिन आपने क्या इस तरह से कभी सब्जी बनाई है? अगर बनाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर नहीं बनाई है तो एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, यह सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। तो यह सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसे रखते हैं हम एक साइड में। तो अब चलते हैं हम अपने आगे की प्रोसेस पर। अब हम खस्ता कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, और इधर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से गूंथ लेते हैं ताकि आटा हमारा अच्छे सा सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट बाद हम इसकी लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे हम पहले 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमने नींबू के साइज में ये लोई बनाकर तैयार की है। इसी तरह से हमें अपनी सारी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो इधर हमारी लोई भी तैयार है। तो अब हम स्टफिंग को भी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टफिंग भी हमारी अच्छे से फूल का तैयार हो चुकी है। तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब हम कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लोई को उठाएंगे, और इसे हाथ से हम इस तरह से राउंड शेप देंगे, टोकरी सी बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसमें हम बीच में 1/2 चम्मच से भी कम स्टफिंग रखेंगे, और इसे गोल गोल घुमाते हुए इसे बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, जब हम इस तरह से ये कचौड़ियों को बनाते हैं तो ये कचौड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि जो ठेले वाली कचौड़ियाँ हैं वो इतने कचौड़ियों में कितना स्वाद होता है। तो आज हम इन कचौड़ियों में वही वाला स्वाद ला रहे हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका इन कचौड़ियों से पेट तो भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। तो फ्रेंड्स, कचौड़ियों को हम 2 तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो हम हाथों से अलट पलट करके इस तरह से कचौड़ियों को बढ़ा सकते हैं, दूसरा हम चकले पर बेल कर तैयार कर सकते हैं। तो जो भी आपको इजी तरीका लगे, आप उस तरह से कचौड़ियों को प्रिपेयर कर सकते हैं। और कचौड़ियों को आपको ना ही ज़्यादा पतला बेलना है, ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है, मीडियम साइज की कचौड़ी बेल कर तैयार करेंगे। और कचौड़ियों को आपको हल्के हाथ से बेल कर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कचौड़ी हमने बेल कर तैयार कर ली है, बिल्कुल परफेक्ट कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह से हमने ये सारी कचौड़ियाँ बेल कर तैयार कर ली हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो कचौड़ियों को अब हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो ऑयल भी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। तो हमने एक कचौड़ी को डाला, तो ये देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। बस इसी तरह के हमें ऑयल चाहिए गर्म। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कचौड़ियों को सेक कर तैयार करेंगे। तो एक बार में हम जितनी आपकी कढ़ाई में आ जाए उतनी आप कचौड़ियों को ऐड कर दें, और इन्हें अलट पलट कर सेक लें। और फ्रेंड्स, कचौड़ियों को हमें धीमी आंच पर ही सेक कर तैयार करना है। जितनी धीमी धीमी ये कचौड़ी सेक कर तैयार होंगी उतनी ये क्रिस्पी बनकर आएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कचौड़ियों पर अच्छी हमारी ब्राउन चित्ती आ गई है, ये देखिए, सुपर्ब है ना, लाजवाब। तो फ्रेंड्स, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कचौड़ियाँ कितनी क्रिस्पी बनी है ना लाजवाब। तो ये कचौड़ियाँ तो हमारी सेक कर तैयार हो चुकी हैं। तो अभी इन्हें निकाल लेते हैं हम एक सेपरेट प्लेट में। वाओ, मज़ा आ गया ना। एम सो कि ये क्रिस्पी एंड टेस्टी फटाफट से बनने वाली खस्ता कचौड़ियों को देखकर आपके मुंह में पानी तो आ गया होगा। तो आप भी फ्रेंड्स एक बार इस तरीके से ज़रूर से इन कचौड़ियों को ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें अपनी सारी कचौड़ियों सेक कर तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ तो हमारी सेक कर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इन कचौड़ियों पर टेस्ट लाने वाले हैं ठेले वाला, जो मिलती है ना दिल्ली में चांदनी चौक पर और ठेले पे। कुछ लोग तो इन कचौड़ियों को समोसे के साथ में भी बेचते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इन कचौड़ियों को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे दिल्ली वाले बनाकर देते हैं ना दोने में सर्व करके, तो आज हम आपको बिल्कुल उसी तरह से सर्व कर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि एक दोने में इस तरह से कचौड़ियों को तोड़ कर रख लेना है।
और इसे सब्जी में इस तरह से डिप कर देना है और ऊपर से हम बारीक कटी हुई प्याज, नींबू, हरे धनिए की तीखी खट्टी मीठी चटनी के साथ हम इस तरह से दोने में सर्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि थोड़ी सी वीडियो मेरे से कट हो गई है दोने में बनाते टाइम, तो मैंने आपको दोने में कैसे बनाते हैं वो वीडियो मैंने आपको दिखा नहीं पाई है, तो आप इस तरीके से भी दोने में सर्व कर सकते हैं, देखकर ही आपको पता चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त।